और अब जब सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हो गई हैं, क्या बार्गेन उन्होंने किया है, क्या पार्टी से वादा मिला है जिसके बाद उन्होंने जेएमएम को छोड़ा, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन सरकार की राजनीति में इसका कितना असर दिखेगा? देखिए, सबसे पहले तो अभी चूंकि दुमका लोकसभा चुनाव में जेएमएम अब क्या करेगी, ये बड़ा सवाल है। चर्चा ये हो रही थी कि हेमंत सोरेन वहां से चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सीता सोरेन अगर शामिल हुई है तो वो पहले भी दुमका लोकसभा सीट से जेएमएम से ही लड़ना चाहती थी। हालांकि बीजेपी ने वहां प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया है, लेकिन उन्हें बदला जा सकता है और सीता सोरेन इस बार बीजेपी की प्रत्याशी हो सकती है। वहीं उन्हें अपनी दोनों बेटियों के लिए भी एक एक सीट चाहिए थी, तो अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी, या फिर यह भी हो सकता है कि सीता सोरेन अपनी बेटी जयश्री या राजश्री को दुमका से इस बार लॉन्च करें, लोकसभा चुनाव से लॉन्च करें। क्योंकि देखिए, अभी तुरंत आने का मतलब, सीता सोरेन काफी निराश हो गई थी और इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि जब नई सरकार का गठन हो रहा था कि मुझे गुरुजी का आशीर्वाद मिल गया है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मंत्री पद नहीं मिला। वो सीधे सीधे उन्हें उम्मीद थी कि एक मंत्री पद उन्हें भी मिलेगा, लेकिन उनकी जगह बसंत सोरेन को मंत्री बनाया गया और वो मंत्री नहीं बन पाई, तो इस बात को लेकर वो काफी ज्यादा निराश थी। और इसके साथ ही उन्हें एक और उम्मीद थी कि अगर मंत्री पद नहीं दिया गया तो हो सकता है दुमका लोकसभा सीट से उन्हें प्रत्याशी बना दिया जाए और उनकी बेटी को बना दिया जाए। तो पार्टी ने ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर दिलचस्पी नहीं दिखाई जेएमएम की तरफ से, जिसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि देखिए, सीता सोरेन पहले भी थोड़ी सी नाराज रहा करती थी और बहुत ज्यादा पॉलिटिकल कार्यक्रम में या पार्टी संगठन के कार्यक्रम में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन जाहिर सी बात है अब कि कैसे भी देखा जाए तो वो शिबू सोरेन की बड़ी बहू है और शिबू सोरेन की बड़ी बहू का बगावत कहीं ना कहीं जेएमएम पर भारी तो पड़ेगी। करिश्मा, क्या बड़ी बहू और छोटी बहू का ये जो तकरार है, जो मनमुटाव है, वो उसका असर नजर आया? क्योंकि कल्पना सोरेन का कद जिस तरह पार्टी में बढ़ाया जा रहा था, उससे कहीं ना कहीं सीता सोरेन नाराज चल रही थी। जब मुख्यमंत्री पद के लिए भी कल्पना सोरेन का नाम आया तो सीता सोरेन बगावती तेवर में नजर आई, तो क्या सीता सोरेन को ये टीस थी कि बड़ी बहू होने के नाते पार्टी में उन्हें वो अधिकार नहीं मिला, उन्हें घर में वो पावर नहीं मिला जिसकी वो हकदार है, और ये एक बड़ी वजह रही कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी और बीजेपी ज्वाइन किया? आज भी देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से ज़रूर यहाँ पर कल्पना सोरेन को प्रमोट किया जा रहा है और यही वजह है कि कल्पना सोरेन कहीं ना कहीं नाराज चल रही थी। इससे पहले भी उनका यही कहना था कि जब चंपई कैबिनेट का विस्तार हो रहा था उस वक्त सीता सोरेन का यही कहना था कि उन्हें ज़रूर जगह मिलेगी और यही उम्मीद और आशा के साथ वो मीडिया के समक्ष आई थी, सामने आई थी और यही बोलती भी नजर आ रही थी कि आने वाले समय में उन्हें मंत्री पद का दर्जा ज़रूर मिलेगा। लेकिन हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से यहाँ पर कल्पना सोरेन लगातार सभा को संबोधित कर रही है और यही कहा जा रहा है कि कल्पना सोरेन सक्रिय राजनीति में पूरे तरीके से एंट्री कर ली है, तो कहीं ना कहीं अब ऐसा सीता सोरेन को लग रहा होगा कि पार्टी की ओर से उन्हें तो जरूर प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन सीता सोरेन जो है काफी अनुभवी है और ऐसे में उन्हें पार्टी की ओर से उतना प्रमोट नहीं किया जा रहा है। और इसी वजह से हमारे सहयोगी उदय ने सही कहा कि ज्यादा वो पॉलिटिकल या फिर कह सकते हैं कि पार्टी संगठन में जितने भी कार्यक्रम हो रहे थे उसमें वो शिरकत नहीं कर रही थी और यही वजह है कि एक और जहां पर कल्पना सोरेन लगातार सभा को संबोधित करते हुए यही बोल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र की वजह से हेमंत सोरेन आज जेल में है। आपने सुना होगा कि जब वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रही थी सीता सोरेन, तब उन्होंने यही कहा कि झारखंड को बचाना है और झारखंड को किस तरीके से आगे लेकर जाना है, वहां के आदिवासी मूलवासी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो शायद सीता सोरेन को समझ में आई है, यही सीता सोरेन ने कहा है। इसके साथ ही उनका यही कहना था कि जल जंगल जमीन से पूरा ये झारखंड विख्यात है, लेकिन यहाँ पर जल जंगल जमीन नहीं बच रहा है और इसको भी लेकर कहीं ना कहीं वो अपनी आवाज को उठा रही है। तो कह सकते हैं कि सीता सोरेन और कल्पना सोरेन के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, हालांकि सीता सोरेन ने मीडिया के सामने यही कही थी, जब मैंने उनसे खुद बातचीत की थी आसिया, तब उनका यही कहना था कि कोई भी कलह जो है वो नहीं है, परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा है। जब मैंने उनसे यही सवाल किया था कि कल्पना सोरेन अब आने वाले समय में सक्रिय राजनीति में एंट्री कर सकती है, तो उनका यही कहना था कि वो भी संघर्ष देखे, मैंने भी 14 साल संघर्ष देखा है, मैं भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ 14 साल से जुड़ी हुई हूँ, तो वो भी संघर्ष देखे, लोगों से जुड़े, तब उन्हें पता चलेगा कि आखिर राजनीति कैसी है। तो कह सकते हैं कि उनके यही बात से यही लग रहा था कि सीता सोरेन नहीं चाहती थी कि अगला जो मुख्यमंत्री रहे वो कल्पना सोरेन रहे, जिस वजह से उन्होंने आपत्ति भी जताई थी जब पार्टी की ओर से ये कहा जा रहा था कि अगर
सरकार की सेहत थोड़ी सी भी डगमगाएगी अगर इफ बट का सिचुएशन आएगा तो कल्पना सोरेन शायद राज्य की अगली मुख्यमंत्री रहेगी। लेकिन कह सकते हैं कि कल्पना सोरेन ने इसमें आपत्ति जताते हुए यही कहा था कि किसी और को भी पार्टी आगे कर सकती है और यही वजह थी कि पार्टी ने रिस्क नहीं लिया था और चंपाई सोरेन को आगे किया था। अब देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं यही बातें सामने आ रही है आसिया कि सीता सोरेन को वो दर्जा नहीं मिल पा रहा था क्योंकि वो लगातार यही बोलती है कि वो शिबू सोरेन की बड़ी बहू है और बड़ी बहू के हिसाब से उन्हें वो हक और अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से कल्पना सोरेन का अचानक से एंट्री होना, राजनीति में जिस तरीके से वो सक्रिय हुई है, इससे कहीं ना कहीं सीता सोरेन को ये लगने लगा है कि अब शायद उन्हें पार्टी की ओर से उतनी तवज्जो नहीं मिलेगी। देखिए अब गांडे विधानसभा सीट में उपचुनाव होना है और ऐसे में कल्पना सोरेन का ही नाम सामने आ रहा है तो अब सीता सोरेन को यही लग रहा होगा कि कल्पना सोरेन को पार्टी जरूर प्रमोट कर रही है लेकिन ये अनुभवी नेत्री है और ऐसे में पार्टी जो है कहीं ना कहीं इन्हें दरकिनार कर दी है। तो यही वजह है कि अब भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थामा है, आगामी लोकसभा चुनाव भी है और सभी की नजर टिकी हुई है। देखिए एक और जहां पर यही कहा जा रहा था कि दुमका से शायद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव लड़ सकते हैं, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से 11 लोकसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों की नाम की घोषणा जरूर कर दी गई है और दुमका से सुनील सोरेन को जरूर आगे किया गया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इसमें बदलाव करेगी। अब देखिए आने वाले समय में सभी की निगाहें टिकी हुई है क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव है और सीता सोरेन भी चाहेगी कि अगर वो बीजेपी का दामन थामी है तो जरूर उन्हें टिकट मिले। अब कहां से टिकट, देखिए दुमका की ही बात सामने आ रही है लेकिन बीजेपी अब किस तरीके से इसमें बदलाव करेगी ये देखने वाली बात होगी और बहुत जल्दबाजी होगी अगर इसमें कुछ भी कहना, क्योंकि अब देखिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक चुनौती भी है सामने कि आखिर जिस तरीके से दुमका में उन्होंने उम्मीदवार की नाम की घोषणा जरूर कर दी है, सुनील सोरेन को आगे जरूर किया है, तो अब पार्टी किस तरीके से इन तमाम चीजों को लेगी और सीता सोरेन को कहां जगह देगी ये देखने वाली बात होगी। और जिस तरीके से सीता सोरेन ने मंच से अपनी बातों को साझा किया है, भारतीय जनता पार्टी का जो दिल्ली में कार्यालय है वहां से उन्होंने अपनी बात को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की, उनका यही कहना था कि मेरे जो स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन है उनका सपना यही था कि मैं एक दिन झारखंड का नेतृत्व करूं और आगे बढ़ूं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 14 साल मैंने पार्टी को दिया लेकिन पार्टी ने मुझे कुछ नहीं दिया। और यहां पर उन्होंने यही कहा है कि अब मैं मोदी परिवार से जुड़ गई हूं तो मुझे ये उम्मीद है कि मैं आगे बढ़ूंगी और कहीं ना कहीं जो मेरा सपना है, जो मेरे स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन का सपना है, वो मैं पूरा करूंगी। भले ही उदय सीता सोरेन ने कहा कि जल जंगल जमीन का जो सपना था उनके पति का, वो सपना अधूरा रह गया जेएमएम में आने के बाद भी, उस सपने को उन्होंने पूरा नहीं कर पाई है और इसलिए बीजेपी गए, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि उसकी पटकथा बहुत पहले तैयार हो गई थी जब यहाँ सरकार खतरे में थी, जब हेमंत सोरेन पर ईडी की दबिश थी, रिसोर्ट पॉलिटिक्स चल रही थी, उस वक्त ये पटकथा तैयार हो गई थी कि सीता सोरेन अब पार्टी में नहीं रहने वाली है। भले ही बीच में आकर उन्होंने नैया पार लगाने की कोशिश की लेकिन अंदर खाने ये बार्गेनिंग, ये डीलिंग चल रही थी। देखिए सीता सोरेन ने अपनी तरफ से पूरा मौका दिया, उन्होंने जब सरकार संकट में थी उस वक्त पार्टी को नहीं छोड़ा, चर्चा इस तरह की थी कि उस वक्त भी वो छोड़ सकती हैं, चंपई सोरेन सरकार से समर्थन वापस ले सकती हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मीडिया के सामने खुलकर यह बयान दिया कि वो परिवार के साथ हैं, पार्टी के साथ हैं और उन्होंने कहीं अपनी तरफ से उस वक्त बगावती तेवर नहीं दिखाए थे, तो ये उनका बड़प्पन था या कहा जा सकता है कि वो उसी वक्त से या एक और मौका देना चाह रही थी। और वो गुरुजी से मिली थी, गुरुजी से उन्होंने कहा था और उन्होंने साफ कहा था कि गुरुजी का आशीर्वाद मिल गया है और वो अभी जो चिट्ठी लिख रही हैं उसमें भी वो यही लिख रही हैं कि गुरुजी ने कोशिश की थी कि सभी को एकजुट रखा जाए लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते हैं। जाहिर सी बात है कुछ लोग से उनका इशारा हेमंत सोरेन और उनके जो खासम खास लोग हैं उनकी तरफ था और उनका कहना है कि पार्टी में उनकी उपेक्षा लगातार हुई। देखिए ये तो एक प्रकरण हो गया और वो 3 बार के विधायक हैं। देखिए इससे पहले भी जेएमएम जब 13 महीनों के लिए सत्ता में आई थी 2013-14 के वक्त उस वक्त भी इस तरह बातें सामने आई थी कि उन्हें कोई बड़ा पद दिया जाए लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इस बार जेएमएम पूर्ण बहुमत से आई थी। जेएमएम अगर उन्हें चाहती तो जब जोबा मांझी या किसी और को मंत्री बनाया जा सकता है तो जेएमएम को भी मंत्री बनाया जा सकता, उन्हें भी मंत्री जेएमएम से बनाया जा सकता था, लेकिन बार बार उन्हें मौका नहीं मिला और इस बात की खीज, इस बात का फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर लगातार दिखाई देता था, इसलिए वो हमेशा अगेंस्ट में बयान देती थी। खैर ये एक पहलू हुआ, लेकिन अब अगर जेएमएम को जिस जल जंगल जमीन की वो बात कर रही हैं, लोबिन हेमरम लगातार इन
तमाम चीजों को लेकर कह रहे हैं संथाल में, और संथाल में आप अगर सीता सोरेन, संथाल जेएमएम का एक बहुत ही मजबूत गढ़ माना जाता है, और जब जब सत्ता में आती है पार्टी तब तब संथाल की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। वहां से लॉबिन हेमराम बागी हो चुके हैं। अब सीता सोरेन जामा सीट पे पहले उनके पति दुर्गा सोरेन चुनाव लड़ा करते थे, और पिछले तीन बार से जब बीजेपी सत्ता में रही तब भी सीता सोरेन का साथ दिया जामा के लोगों ने। उनकी इतनी पकड़ थी कि बीजेपी की लहर के बावजूद सीता सोरेन जामा से जीत कर आती थी, लगातार तीन बार से विधायक हैं। और अब अगर वो संथाल इलाके में ये कहती हैं कि जल जंगल जमीन और इन तमाम चीजों को लेकर लॉबिन हेमराम भी आवाज उठाएंगे, सीता सोरेन भी आवाज उठाएंगी, तो ऐसे में पंकज मिश्रा से लेकर अवैध खनन के आरोपों के बीच ये जेएमएम के लिए एक बड़े नुकसान का सबब बनेगा, क्योंकि जिस तरह से ये दोनों नेता बागी हो गए हैं। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।